सर, एनटीपीसी सिमादरी विशाखापट्टनम से आया हूँ। मेरे को किडनी की प्रॉब्लम थी, जिसमें जब 2 साल पहले मैं हॉस्पिटल अपोलो में एडमिट हुआ था, तब पता लगा कि मेरे को किडनी की प्रॉब्लम है। उस टाइम क्रिएटिनिन 2.3 चल रही थी और उसके बाद एलोपैथी मेडिसिन का ही काम चल रहा था, बट मेरा कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी। 2.6 तक आ गई थी। तो उसके बाद एक दिन मैं 25 अक्टूबर को यूट्यूब में देखा कि नाडीपति काकीनाडा में ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें बिना मेडिसिन के आपकी किडनी को नॉर्मल करते हैं। तो मैं 26 तारीख को आया, कृष्णम राजू सर से मिला और उसी दिन से ट्रीटमेंट चालू कर दिया। और अभी मैं 16 नवंबर मतलब 12 दिन के बाद, ट्रीटमेंट के 12 दिन के बाद मेरी जो किडनी श्रिंक हो चुकी थी वो अभी नॉर्मल साइज में आ गई है, जिसकी रिपोर्ट मैंने क्वीन एनआरआई हॉस्पिटल विशाखापट्टनम में टेस्ट करवाया। और क्रिएटिनिन लेवल जो बढ़ बढ़ के 2.6 2.7 चल रही थी, कल मैंने टेस्ट करवाया। कल मतलब 22 तारीख को यहाँ काकीनाडा में ही टेस्ट कराया, जिसकी क्रिएटिनिन लेवल अभी 1.8 आ गई है। इसके अलावा जो इम्प्रूवमेंट सर के वजह से हुई है, उसमें के कोई भी मेडिसिन नहीं है, आपको खाली एक्यूप्रेशर करते हैं। मेरी वेट अभी 5 किलो कम हो गई है, जिस टाइम मैं आया था 80 में था, अभी 75 किलो हो गई है। और बॉडी काफी लाइट लग रही है, नींद की जो कमी थी वो खत्म हो गई है, यूरिन काफी अच्छी से हो रही है, डाइट जो प्रिस्क्राइब किए हैं डाइट के वजह से भी मेरे काफी अच्छी लग रही है, जो पहले लेजीनेस थी वो खत्म हो गई है। और सबसे अच्छी बात है कि मेरी जो किडनी जो श्रिंक हो चुकी थी 12 दिन के ट्रीटमेंट में सर के वजह से, मेरी किडनी नॉर्मल साइज में आ गई है। अभी दोनों किडनीज नॉर्मल हैं और उसके वजह से क्रिएटिनिन लेवल कम होने की वजह से काफी अच्छा लग रहा है।